वहीं पाकिस्तान से लगी भारतीय सीमा पर निगरानी को बढ़ाने में मददगार हर्मेस 900 स्टारलाइनर ड्रोन 18 मई को हैदराबाद में भारतीय सेना को मिलेगा। ये सेना को मिलने वाला पहला ड्रोन है। हालांकि सबसे पहला हर्मेस 900 जनवरी में भारतीय नौसेना को सौंपा गया था और दूसरा ड्रोन सेना ले जा रही है। भारतीय सेना अपने भटिंडा बेस पर दृष्टि 10 ड्रोन को तैनात करेगी, जहां से वो पाकिस्तान के साथ पूर्वी पश्चिमी सीमा पर नजर रख सकेगी। इसके बाद तीसरा ड्रोन नौसेना और चौथा सेना को दिया जाएगा। भारतीय सेना के पास पहले से ही हैरान मार्क 1 और मार्क 2 ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत सेना ने दृष्टि 10 या हर्मेस 900 ड्रोन के लिए ऑर्डर भी दिए।